हेलो एवरीवन, मेरी जी स्टडी चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। अब इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है कि जिसके रीजन से इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। ये मार्ले मिंटो एक पर्सन का नेम नहीं है, ये दो पर्सन थे। जो मार्ले था ये उस टाइम भारत का सचिव था और जो मिंटो थे वो भारत के वायसराय थे। तो उनके टाइम में जब इस अधिनियम को लाया गया, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। अब जो मार्ले मिंटो सुधार या 1909 का भारत परिषद अधिनियम लाया गया, तो इसको लाने के क्या उद्देश्य थे या इसके क्या कारण थे। सबसे पहले जो रीजन रहा वो था कि जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम था उसमें कुछ कमियां रह गई थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए 1909 के भारत परिषद अधिनियम को लाया गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1892 के अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए पहला पॉइंट ये हो गया, ये कारण रहा 1909 के भारत परिषद अधिनियम को लाने के लिए। दूसरा पॉइंट, जो इंडियन पीपल थे वो डिमांड कर रहे थे कि केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में हमें और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो भारतीयों की डिमांड थी, भारतीय लोग थे, प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे, किसमें, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद, दोनों परिषद में वो डिमांड कर रहे थे कि हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा होना चाहिए। जो 1861 के अधिनियम में हमने पढ़ा कि तीन लोगों को लॉर्ड कैनिंग ने भर्ती किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई इंडियन पीपल वहां पर भर्ती किए गए थे। उसके बाद जो 1892 का अधिनियम आया तो उसमें भी इंडियन पीपल को जगह दी गई, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, लेकिन फिर भी इंडियन पीपल सेटिस्फाई नहीं थे। वो मान रहे थे या उनकी डिमांड थी कि हमें और ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। नंबर थर्ड, 1906 में जो मुस्लिम पीपल थे, जो मुसलमान थे, वो पृथक निर्वाचन मंडल की डिमांड कर रहे थे। आगा खां की लीडरशिप में जो मुस्लिम मंडल के पीपल थे वो लॉर्ड मिंटो से मिले और उन्होंने शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और कहा कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए। तो लॉर्ड मिंटो ने कहा ठीक है, समय आने पर मैं आपको जरूर आपका पृथक निर्वाचन मंडल कर दूंगा, यानी सेपरेट इलेक्ट्रोल जो उन्होंने सिस्टम की डिमांड की थी उस डिमांड को भी पूरा करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तो इसमें आएगा कि मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 4 की और क्या रीजन रहा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस के विभाजन में दो दल बन गए, एक नरम दल और एक गरम दल। जो गरम दल था उसको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दमन कर दिया, यानी उनको डिप्रेस कर दिया, और जो नरम दल था उनके साथ समझौता करना चाह रहे थे, तब इसलिए भी इस अधिनियम को लाया गया। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन। तो ये फैक्टर रहे, ये कारण रहे 1909 के भारत परिषद अधिनियम को लाने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये फैक्टर्स थे किसके लिए, जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया उसके लिए। अब हम बात करेंगे रिगार्डिंग प्रोविजंस या जो प्रावधान, जो प्रोविजंस थे या जो प्रावधान थे जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम में इम्प्लीमेंट किया गया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।
और इन सभी डिमांड को पूरा करने के लिए, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो डिमांड इंडियन पीपल ने की थी उनको कंप्लीट करने के लिए एक समिति बनाई गई, और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था वो लाया गया। तो वो समिति कौन सी थी, उस समिति का नेम आप लिख लीजिए, सर अरुंडेल समिति। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग प्रावधान या प्रोविजंस। प्रावधान, प्रावधान नंबर फर्स्ट में प्रावधान किए गए, तो पहला प्रावधान था केंद्रीय परिषद में, यानी जो केंद्रीय परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। कितना बढ़ाया गया, जो पहले 16 थी अब उसको 60 कर दिया। जो पिछले हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा 1892 के अधिनियम में कि 10 से लेकर 16 थी, अब उसको क्या कर दिया, 60 फिक्स कर दिया। कौन से सदस्य थे ये, केंद्रीय परिषद के अतिरिक्त सदस्य, यहाँ पर अतिरिक्त और लिख लो क्योंकि वो अतिरिक्त सदस्य थे, तो उनकी संख्या को बढ़ा दिया गया। जो पहले 10 से 16 थी अब उसको बढ़ाकर कर दिया 60। 1861 के भारत परिषद अधिनियम में तो 6 से 12 किया गया था, फिर 1892 के भारत परिषद अधिनियम में उसको 10 से लेकर 16 कर दिया गया, लेकिन फाइनली अब कितना कर दिया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम में 60। और 60 में 9 पदेन, जो भी पदेन मेंबर है या पदेन सदस्य हैं वो इंक्लूड होंगे, तो टोटल हो गया 69। अब ये पदेन सदस्य कौन कौन थे, 1 वायसराय, 6 कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, 1 सेनाध्यक्ष और 1 साधारण सदस्य। अब ये टोटल कितने हो गए, 9। तो ये 60 अब कर दिए गए थे, कौन से अतिरिक्त सदस्यों की संख्या फिक्स कर दी थी 60, लेकिन 9 उसमें ये पदेन सदस्य ऐड होंगे तो टोटल हो गए 69। लेकिन अभी भी मेजोरिटी रहेगी सरकारी सदस्यों की, मेजोरिटी किसकी रहेगी, सरकारी सदस्यों की, जो सरकारी सदस्य थे उनका ही बहुमत रहेगा, सरकारी सदस्यों का बहुमत होगा, मेजोरिटी होगी, और जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी माइनॉरिटी होगी। तो अब हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 69 है उसमें से कितने सरकारी सदस्य हैं और कितने गैर सरकारी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सरकारी सदस्य और इधर लिख लेते हैं गैर सरकारी सदस्य। जो सरकारी है इसमें भी दो तरह के सदस्य थे और गैर सरकारी सदस्य भी दो तरह के थे। जो सरकारी सदस्य थे इनकी क्वांटिटी यानी कि इनकी सदस्य संख्या थी 37 और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या थी 32। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेजोरिटी किसकी है, सरकारी सदस्यों की। ये दो तरह के थे, एक थे मनोनीत और दूसरे थे पदेन। मनोनीत सदस्य थे 28 और पदेन थे 9। अब जो मनोनीत सदस्य वो 28 सदस्य है और इन 28 सदस्यों को मनोनीत करेगा वायसराय। कौन मनोनीत करेगा, वायसराय। और पदेन सदस्य कौन से हैं, पदेन जो हमने यहाँ पर पढ़े थे कि 1 वायसराय, 6 कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, 1 सेना का अध्यक्ष और 1 होगा साधारण सदस्य। तो ये 9 जो टोटल सदस्य थे वो क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य। तो टोटल हो गए 37, 28 सदस्य मनोनीत और 9 सदस्य पदेन। तो ये तो आ जाएंगे सरकारी में। अब हम बात करते हैं गैर सरकारी। जो गैर सरकारी सदस्य थे किसमें, केंद्रीय परिषद की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर प्रांतीय परिषद की बात नहीं कर रहे हैं। प्रांतीय का डिफरेंट था, केंद्रीय का डिफरेंट था। जो गैर सरकारी सदस्य थे वो टोटल थे 32 और इसमें भी दो तरह के लोग थे, एक मनोनीत और दूसरे निर्वाचित। मनोनीत और निर्वाचित,
मनोनीत सदस्य 5 थे और निर्वाचित सदस्य 27 थे। ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से निर्वाचित होके आए थे। अब वो कहाँ कहाँ से निर्वाचित होके आए थे उसके बारे में यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा कि 2 सदस्य जो वाणिज्य यानी कि वाणिज्य या फिर आप उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य या आप कह सकते हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स 2 सदस्य आते थे। दूसरा साधारण निर्वाचन मंडल से, साधारण निर्वाचन मंडल से यहां से टोटल 13 सदस्य निर्वाचित होते थे। और तीसरा आ जाएगा श्रेणी निर्वाचन मंडल। तीसरा कौन सा है? श्रेणी निर्वाचन मंडल। अब ये जो श्रेणी निर्वाचन मंडल था इसमें स्पेशल लोग थे यानी कि स्पेशल कैटेगरी के लोग आते थे। एक तो जमींदार, जमींदार जमींदार से आएंगे 6 कैंडिडेट, और दूसरा था मुस्लिम, जो मुस्लिम पीपल थे वहां से, तो वहां से कितने आएंगे? वहां से भी 6 लोग ही आएंगे। तो ये जो मुस्लिम वालों ने डिमांड कर रखी थी कि हमें पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए, तो उनको 6 सीटें दे दी गई थी। और ये 6 सीटें किसमें जाएगी? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में। तो ये क्लियर हो गया होगा कि केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, और अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को जो पहले 16 थी, जो 10 से 16 थी, उसको 60 कर दिया गया, और उसमें 9 सदस्य पदेन होंगे। मेजोरिटी सरकारी की रहेगी, माइनॉरिटी गैर सरकारी की रहेगी। जो मेजोरिटी पीपल थे वो 37 थे, गैर सरकारी 32 थे, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से निर्वाचित होके आएंगे। तो ये पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी कि जो प्रावधान नंबर फर्स्ट था, ये था केंद्रीय परिषद से रिलेटेड कि उसमें किस तरह से सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अब हम बात करते हैं सेकंड के बारे में या सेकंड प्रावधान के बारे में। तो सेकंड प्रावधान था उसमें प्रांतीय सरकारों के बारे में डिस्कस किया गया है कि जो प्रांतीय सरकारें थी उसमें भी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, और प्रांतीय सरकारों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। प्रावधान नंबर सेकंड, प्रांतीय सरकारों में या प्रांतीय जो परिषद थी उसमें भी सदस्य संख्या को बढ़ाया गया। परिषद में सदस्य संख्या को बढ़ाया गया, बढ़ाया गया, लेकिन इसमें जो बहुमत होगा वो गैर सरकारी सदस्यों का था। किसका था बहुमत? किसका था? गैर सरकारी सदस्यों का। अब जो ये गैर सरकारी सदस्य है वो कहां कहां से आएंगे? बर्मा से आएंगे 16 सदस्य, पूर्वी बंगाल और असम इन दोनों से आएंगे 41 सदस्य, पश्चिम बंगाल से आएंगे 52 सदस्य, पंजाब से आएंगे 25 सदस्य और बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत यहां से आएंगे 42 सदस्य तीनों में से। तो ये रखा गया प्रांतीय परिषद का क्राइटेरिया कि जिसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रहेगा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रावधान नंबर 3, विधान परिषद। विधान परिषद चाहे वो केंद्र की थी चाहे प्रांत की थी, दोनों की शक्तियों में विस्तार किया गया, शक्तियों में विस्तार। तो कौन कौन सी शक्तियां दे दी गई? बजट पर बहस करना, बजट पर बहस करना, दूसरी क्या दी गई? प्रश्न पूछना और पूरक प्रश्न पूछना। ये तो प्रश्न पूछना तो 1892 में ही दे दिया गया था,
लेकिन पूरक प्रश्न पूछना भी अब अधिकार दे दिया गया। और जो पूरक प्रश्न, यहाँ पर एक तो रिस्ट्रिक्शन रखी गई वो कौन सी थी कि पूरक प्रश्न वो ही मेंबर पूछ सकता है जिसने पहले प्रश्न को पूछा है, कोई दूसरा मेंबर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता, तो ये अधिकार दिया गया। तीसरा था जनसाधारण के मामलों में वोट देने का या मत देने का अधिकार। इसके अलावा और क्या राइट दे दिया गया, स्थानीय निकाय के लिए धन की मांग कर सकते थे, धन की मांग, यानी स्थानीय निकाय के लिए जो परिषद के मेंबर थे, चाहे केंद्रीय परिषद के मेंबर थे या प्रांतीय परिषद के मेंबर थे, वो धन की मांग कर सकते थे। और आएगा नए कर एवं संशोधन का अधिकार। तो ये सारे अधिकार किनको दे दिए गए, इन सदस्यों को जो केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में थे। तो ये था पॉइंट नंबर थर्ड, यानी प्रावधान नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं प्रावधान नंबर फोर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या इंक्लूड किया गया कि जो केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद में सदस्य होते थे उनकी योग्यताएं क्या थी। तो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की योग्यताएं, वो भी प्रावधान इसी में इंक्लूड किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय सदस्यों की योग्यताएं कौन कौन सी योग्यताएं इनके लिए कंपलसरी कर दी गई। सबसे पहले कि वायसराय की दृष्टि में वो एक अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा मेंबर हो। अगर वायसराय की दृष्टि में अच्छा पर्सन नहीं है वो, तो वो इलेक्शन में यानी कि वो निर्वाचित नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर सेकंड, उसके ऊपर किसी भी केस में 6 महीने से ज्यादा अगर उसको सजा मिली है तो वो भी सदस्य नहीं बन सकता। तो 6 महीने से ज्यादा सजा ना दी गई। आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। उसको किसी भी तरह का कभी देश निकाला नहीं मिला हो, केवल पुरुष, महिलाओं को ये राइट नहीं था। केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में केवल पुरुष ही पार्टिसिपेट कर सकते थे, तो केवल पुरुषों के लिए ही ऐसा था। तो केवल पुरुष हो और उनकी एज भी 21 हो, यानी 21 वर्ष मिनिमम हो, तो वो ही मेंबर क्या बन सकता है, केंद्रीय और प्रांतीय परिषद का मेंबर। तो ये थी योग्यताएं। तो ये प्रावधान नंबर फोर था जिसमें ऐसे मेंबर्स जो केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में इंक्लूड होते थे, निर्वाचित होते थे या मनोनीत होते थे, तो उनके लिए कुछ शर्तें रखी गई, कुछ उनके लिए कंडीशंस रखी गई, और उन कंडीशंस को 1909 के भारत परिषद अधिनियम में इंक्लूड किया गया। और जो साथ में वोटर थे यानी जो मतदाता होते थे उनके लिए भी कंडीशन थी, केवल पुरुष होने चाहिए, 21 साल मिनिमम होनी चाहिए, किसी भी तरह का वो पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन रखी गई थी मतदाताओं के लिए। अब आता है नेक्स्ट प्रावधान, प्रावधान नंबर फिफ्थ, कि जो भारत सचिव था या वायसराय था उनकी कार्यकारिणी परिषद में इंडियन पीपल को इंक्लूड किया गया। इंडियन पीपल जो भारतीय सदस्य थे उनको शामिल किया गया। तो 2 सदस्य जो मार्ले यानी कि भारत सचिव थे उनके साथ इंक्लूड किए गए, और 1 सदस्य मिंटो या वायसराय के साथ इंक्लूड किया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
भारत सचिव मार्ले, क्योंकि मार्ले उस टाइम भारत सचिव थे, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। किनको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया, शामिल किया गया। जो सचिव थे इनके साथ दो लोगों को शामिल किया गया, वो कौन कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन, और एक इंडियन पीपल, एक भारतीय सदस्य जो वायसराय थे उनके साथ शामिल किया गया, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये शामिल किए गए थे वायसराय के साथ। तो ये भारतीय, जो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत सचिव और वायसराय के साथ किसी भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रावधान आता है प्रावधान नंबर 6, मुस्लिम्स के लिए, जो मुस्लिम पीपल थे, मुस्लिम लोग थे, उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी, व्यवस्था कर दी गई थी। यानी कि जो डिमांड कर रहे थे मुस्लिम पीपल, तो उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया था। जो जो मुस्लिम पीपल चाहते थे वैसा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर दिया था। लेकिन जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने दिमाग लगाया था, उन्होंने ये यहाँ पर काम किया था कि आने वाले टाइम में जो आज हम पृथक निर्वाचन मंडल बना रहे हैं, यही एक ब्लंडर रूप लेगा, एक बहुत बड़ा रूप लेगा, और आने वाले टाइम जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ और इंडिया और पाकिस्तान के टू पार्टीशन हुए, दो टुकड़े हुए, तो वही रिजल्ट था जो उस टाइम का पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। जो इंडिया में सांप्रदायिकता, अलगाववादी, जो ये सारी चीज़ें जो जड़े हैं वो यहीं से है, तो ये बिल्कुल गलत बात थी। इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन इसको ब्रिटिश वालों ने इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।